बनेंगे सिंगर। नाउ वी प्लीज हैव आवर नेक्स्ट परफॉर्मर तुलसी त्रिपाठी। पवित्र है जितना भोला तुम्हारा चेहरा है, उतनी ही मासूम तुम्हारी आवाज़ है। जब जुल्मों का हो सामना तब तू ही मुझे थामना। तो वाकई में हम आज इस समय में सभी ईश्वर की ही आस लगाए बैठे अपने अपने कर्म कर रहे हैं, नेकी का हाथ पकड़े हुए हैं। बहुत ही खूबसूरती से तुमने गाया और इतनी इतनी क्लीन आवाज़ मुझे आपकी लगी। बहुत ही खूबसूरती से आपने गाया तुलसी, इतने दिल से, और जो भी आप अपनी आवाज़ में जितनी भी हरकतें करना चाहती थी वो सब यहाँ दिल तक पहुँची है। ऐसे ही गाते रहिए, आप जैसे लोगों के आने से द वायरल सिंगर्स का मंच और भी खूबसूरत हो जाता है। सो थैंक यू सो वेरी मच, इतना खूबसूरत सा गाना गाकर मेरे तो दिल को आपने छू लिया है। बहुत ही अच्छा गाया आपने, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। हम स्कूल में प्रार्थना में ये गाते हैं मगर कभी इतनी बारीकियों के साथ कभी नहीं गाया किसी ने। और आपने बहुत ही खूबसूरती से हर एक हरकत, हर एक मुर्की बहुत प्यारे ढंग से आपने गाया है। सो ऑल द बेस्ट, आपका रियाज बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, ऐसे ही करते रहिए और कीप रॉकिंग, ऑल द बेस्ट। वाह तुलसी यार, आपने मुझे इमोशनल कर दिया है, इतना अच्छा गाना चुना है आपने। और ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है और पूरी दुनिया के ही ये गाना बहुत करीब है दिल के। आपने मुझे इतना टाइम याद दिला दिया जब एक टाइम पे मैं भी ये गाना बहुत सुनता था। और आप जब भी इस गाने की वो लाइन गा रहे थे, ए मालिक तेरे बंदे हम, तो पूरा मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आप सीधा रब से, अल्लाह से बात कर रहे हैं, मालिक से बात कर रहे हैं, हम सब उन्हीं के बंदे हैं। और आपने जो आलाप स्टार्टिंग में लिया, उस आलाप में ही आपने सारी चीज़ें बता दी कि आप कितना अच्छा गाने वाले हैं। तुलसी ऐसे ही गाते रहें और जियो यार, जियो। कितनी प्यारी सुरीली आवाज़ है आपकी, और आपने भी बहुत बहुत परफेक्शन के साथ गाया है और बहुत ही पेशेंस है आपके सिंगिंग में, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है, आपके सुर भी बिल्कुल पक्के हैं। सो दिस वाज ऑल इन ऑल अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई वुड लव टू आस्क आवर स्पेशल गेस्ट शिखा मल्होत्रा अबाउट हर जर्नी, स्पेशली अबाउट द फैक्ट That made her a corona warrior. एक अभिनेत्री होने के बाद भी जब मैं अस्पताल पहुंची और बतौर नर्सिंग ऑफिसर काम करने की इच्छा जताई तो वहां के सीनियर्स ने मुझे सैलरी ऑफर की। सैलरी नहीं चाहिए थी क्योंकि जज्बा तो देशभक्ति का था सीने में,
और मैं चाहती थी कि मैं पेशे से तो अदाकारा हूं, लेकिन अब जब देश को मेरी जरूरत है तो इसीलिए मैंने ये नर्सिंग की डिग्री ली थी, मुझे ऐसा लगा। मैं पैरालिसिस से इसीलिए खड़ी हुई थी, इसीलिए ईश्वर ने मुझे शक्ति दी, क्योंकि मुझे कुछ करना था। तो मुझे लगा कि आज वो दिन आ गया है कि मुझे वो वापस करना है जो ईश्वर ने मुझे दूसरा जन्म दिया है। आई हैव टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। जब मैं वार्ड के अंदर गई, मेरा सबसे पहला पेशेंट था 7 महीने का मोहम्मद। वो धीरे धीरे ठीक होता गया, मेरे साथ खेलता रहता था, मुझसे बातें करता था, और मुझे ऐसा लगा कि अगर एक तरफ मोहम्मद के ठीक होने की उम्मीद है तो कहीं मैं किसी को जिंदगी और मौत से जूझते हुए देखती थी। आज मैं किसी के हाथ पर हाथ रख के उन्हें सांत्वना देकर आई हूँ कि वो ठीक हो जाएंगे। और अगले दिन जब हम वार्ड में जाते थे तो वो बेड हमें खाली दिखता है। ऐसे कई जिंदगी और मौत से जूझते हुए आज 69 डेज पूरे हुए हैं। आप सभी की दुआओं से कहीं पर किसी ने अपने छोटे बच्चे को छोड़कर अपने जीवन से हाथ धो दिया है, कहीं पर कोई अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया है, ऐसे कई अप्स एंड डाउन्स आए हैं। तो मैं आप सभी से दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ मरीज से मत लड़िए, मर्ज से लड़िए। अगर आसपास किसी को आपकी ज़रूरत है तो आप भी अपना फ़र्ज निभाइए, साथ दीजिए, आसपास की अफवाहों पर ना बिलीव करें। और एक चीज़ याद रखें कि इंसान ऊपर से कोई धर्म लेकर नहीं आया, ईश्वर ने इंसान बनाया है, और सबसे बड़ा जो रिलीजन है वो है ह्यूमैनिटी। तो आप सभी प्लीज़ दरख्वास्त है कि ह्यूमैनिटी को निभाइए, एक दूसरे का साथ दीजिए। ये वक्त है हाथ थाम कर कोरोना काल की इस संकट की घड़ी से बाहर निकलना। तो मैं आप सभी के लिए यूं ही निरंतर तत्पर सेवा में जुटी रहूंगी, और आप सभी का प्यार और जो दुआएं हैं वो मुझे आज तक सलामत रखे हुए हैं, आगे भी रखेंगे। जय हिंद। आई फील एक्सट्रीमली हैप्पी राइट नाउ। Thank you so much, dear Shikha, for joining us on this platform of The Viral Singer and inspiring so many people, especially the youth. With this, we have Darshan and Dhruvankar. जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। दुर्वांकर, आप दोनों तो दो जिस्म और एक जान है, क्योंकि आप दोनों को अलग अलग भी सुना है हमने अभी इसी गाने में जो आपने चुना है, लेकिन कोई फर्क नजर नहीं आता। और जो आप हारमोनियम बजाकर उसे गा रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत चयन है आपका, और बहुत ही अच्छा मुझे प्रेजेंटेशन वाइज कितना खूबसूरत लगा, कितना दिल को शांति मिली। और जहाँ पर हर बालक मोहन है और राधा एक एक बाला, कितनी खूबसूरत बात है। आपने तो हिंदुस्तानी सुगम संगीत की जो प्रदर्शनी दी है, और आपकी आवाज़ में जो हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति जो छलकती है वो बहुत ही ख़ास बात है।
तो बस ऐसे ही आप दो जिस्म एक जान बनकर यूं ही वायरल सिंगर तो क्या ढेर सारे मंचों को सजा कमाल कर दिया आपने भाई, और इतना प्यार से गाया है ये गाना, और जो हरकतें आपने जो सुरीली इतनी हरकतें लगाई हैं अंतरे में बसेरा, ये जो चीजें हैं ये बड़ी अच्छी आपने लगाई हैं, और दोनों प्यारे भाई लग रहे हो आप, दो प्यारे भाई, और मुझे आपको देख के कहीं ना कहीं अजय अतुल सर की याद आ रही थी कि आप उसी तरीके से उसी ढंग से उतने ही प्यार से और उतने ही साथ में जब आप गाते तो बड़े अच्छे लगते हैं, और बस यही बोलना चाहूँगा कि आपके लिए बहुत बहुत दुआएं और बहुत बहुत प्यार, और आप इस शो में ऐसे ही आगे तक बने रहें। दर्शन एंड दुर्वंकर, क्या बात है, मजा आ गया सच में। मतलब ऐसा लग रहा है हमारे वायरल सिंगर के स्टेज पे लव और कुश पधारे हैं। आप दोनों की स्माइल इतनी प्यारी है, एक जैसी है और वैसी ही आवाज है, बिल्कुल टाइमिंग एक जैसी, सिंक्रोनाइजेशन बहुत प्यारा। सो ऑल द बेस्ट, ऐसे ही गाते रहिए, मगर अगले राउंड में अगर आप एक कवाली सुनाएंगे तो मेरे ख्याल से और हैपनिंग होगा। और हमारे वायरल सिंगर के स्टेज पे हमारे पास वैरायटीज ऑफ सिंगर्स आए हैं, जहाँ पे क्लासिकल गाते हुए भी लोग हैं और कुछ वेस्टर्न क्लासिकल के भी हैं, और जैसे अभी विष्णु प्रिया को सुना, उनकी अलग आवाज, जेम्स या जेम्स की अलग आवाज, इशिता शी इज इन मेन स्ट्रीम बॉलीवुड सिंगिंग, और आप दोनों मतलब अमेजिंग, बहुत वैरायटीज मिल रही है, मजा आ रहा है। सो ऐसे ही गाते रहिए दर्शन और दुर्वंकर, ऑल द बेस्ट। Our next performance is by Anil Thakur. Rang reza जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था, जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था, वो जो तुझ में समाया जो मुझ में समाया, बोला वही वही माया, कुन फाया कुन सजरा सवेरा मेरे तन मन से, कतरा अंधेरा तेरी जलती रो, कतरा मिला जो तेरे दरबार से, मौला मौला खूबसूरत। मतलब आपने जो सूफी सॉन्ग गाया है ना, रूहानियत की तरफ आप ले गए, और इस दौर में हमें सबसे ज्यादा ईश्वर की इबादत की जरूरत है, तो आपका गाना इस समय हमारे लिए कुछ इबादत जैसा ही है, मरहम जैसा है जख्मों पर, और खासकर जो आपने गिटार के साथ गाया वो एक बहुत ही हिम्मत का काम है, विदाउट एनी अदर सपोर्ट ऑफ म्यूजिक। क्या बात है अनिल ठाकुर, I love the way you sang the whole song. मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जिस ठहराव से आपने गाया है मुझे वो बहुत अच्छा लगा, जितने फील से आपने गाया है मुझे वो बहुत अच्छा लगा। In short, ये परफॉर्मेंस was a perfect piece. बहुत ही ज़्यादा perfection के साथ आपने निभाया है, and I'm just amazed. Thank you so much for this performance. I loved it. All the very best. एक्चुअली आपके अंदर वो रॉकिंग परफॉर्मेंस वाली बात है जो बहुत अच्छी लग रही है, सो इसी तरह रियाज करते रहिए, और बस यू आर परफेक्ट। जिस तरह से आपने इसकी सादगी को रखते हुए अपनी कलाकारी दिखाई है और हर एक नोट में इमोशंस दिखाए हैं, ऑसम, मुझे बहुत पसंद आया। सो ऑल द बेस्ट।